अरे 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 अरे, क्या हो गया माँ? इतनी खुश नजर आ रही हो फातिमा चाची से, ऐसी क्या बात हो गई जो इतनी दीवानी बकी फिर रही हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है, तुम भी सुनोगे ना तो खुशी से नाचने लगोगे, भगने डालने लगोगे, और जहां कहीं भी जा रहे हो जाना भूल जाओगे। माँ, मैं तलाकनामा बनवाने जा रहा हूँ और ये इतना जरूरी काम है कि मैं कभी भूल नहीं सकता। अरे पागल हो गया तू, अब कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, किस्मत का सितारा हमारे घर की छत पे चमकना शुरू हो गया। अरे अम्मा, आप सीधा सीधा बता दो ना, बात क्या है? मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। अब ये क्या कह रही हो तुम कि तलाकनामा बनवाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि वकार मिर्जा को खुद तलाक देने वाला है। क्या सच कह रही हो तुम? बिल्कुल सच, इन कानों से खुद सुन के आ रही हूँ। दोनों माँ बेटियां बहुत परेशान थी। अरे लेकिन तुम्हें किसने बता दिया, मुझे भी तो बताओ। अरे भाई वकार की वो जो कजन नहीं है, को मिर्जा को बता रही थी। बता क्या रही थी भाई, जो समझ लो कि उसको जला रही थी। वकार उस लड़की के साथ मंगनी कर रहा है। अब तुम सोचो, जब मंगनी करेगा तो शादी भी करेगा, और जब शादी करेगा तो विरसा को तो तलाक दे देगा ना। सो मेरे बेटा, तू अब एक काम कर, अपने अब्बा और मंसूर को पकड़ और उनके घर से जाके जहेज का सामान ले आ। अरे वाह अम्मा, तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी मंजिल होते। मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी अम्मा। मैं तो कहता हूँ चांद नहीं उतरेगा इस घर में, बल्कि चांद अरे नहीं चल जाओ, निकलेगा। गिराएगा अपनी अम्मा अरे को। अम्मा, क्या हो गया, क्या हो गया? आराम से इधर आ जाओ, बैठ जाओ, चक्कर आ गए तुम्हें तो। अरे सांस तो लेने दो, ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो हैं? और ये क्या कह रहे थे कि चांद भी घर में आ जाएगा? इधर देखो मेरी तरफ, तुम्हें विरसा से कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई? हाँ अम्मा, मुझे उससे मोहब्बत हो, चाहने लगा हूं उसको। ये जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में लड़के अपनी माँ को भूलकर अपनी बीवियों की गोदों में मूंछ पा लेते हैं ना, मुझे हरगिज पसंद नहीं है। अगर तुमने भी ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुमसे भी नफरत करूंगी। अरे मैं तो खामखा में खुश हो रही थी, मेरी खुशी को मेरी अपनी नजर ही लग अरे अम्मा, तुम्हें बेवकूफ बना दिया ना मैंने। तुम मेरी जान हो अम्मा, इस घर पर और तुम्हारे बेटे पर सिर्फ तुम्हारा ही राज रहेगा और तुम्हारा ही हुक्म चलेगा। हाँ लेकिन जहां तक बात फिरसा की मोहब्बत की है, तो वो मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी इज्जत है, मेरा इंतकाम। उसने हमेशा दूसरों के मुकाबले मुझे जलील करवाया। उस जिल्लत और बेइज्जती का बदला लेना है मैंने उससे। और जहां इंतकाम होता है ना अम्मा, वहां मोहब्बत नहीं होती। ऐसा सबक सिखाऊंगा उसको कि भूले भी ना भूल पाएगी। बस एक बार उसे इस घर में आने दो, फिर देखे मैं उसके साथ क्या करूं। ये तो भूत बंगला लगता है, तुम मुझे कहाँ ले आई हो? तुम्हें यकीन है कि तुम इसी घर आई थी? जी मामा, मैं यहीं आई थी, पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ। आप चले मेरे साथ, मैं आपको लेकर चल आ जाए। ये किससे मिलना आप लोगों को? आप शायद किसी गलत घर में आ गई हैं, यहाँ तो एक मुद्दत से कोई नहीं आया। आंटी मैं हूँ एमन, आपने पहचाना नहीं मुझे? मैं शाहिद का पूछने आई थी आपसे, मैंने आपको अपना नंबर भी दिया था। हाँ हाँ मुझे याद आ गया, सारा दिन घर में अकेली बैठी रहती हूँ ना, न जाने क्या क्या सोचती रहती हूँ, गायब दिमाग हो गई हूँ। आप अकेली क्यों रहती हैं? आपके शौहर और बेटा किधर है? आंटी ये मामा है मेरी। बिल्कुल तुम्हारी बड़ी बहन लग रही है। थैंक यू। आपने बताया नहीं आपका बेटा शाहिद और शौहर कहाँ है? ये तो न जाने दो दिन से कहाँ है, कुछ पता नहीं कब आते हैं कब जाते हैं। और शाहिद नहीं है और कभी नहीं आएगा। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल, शाहिद क्यों नहीं आएगा? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? शाहिद को भूल जाओ लड़की, उससे कोई उम्मीद वास्ता ताल्लुक मत रखना। और आई तुम फिर आ गई इनको साथ लेके। मैं इसकी माँ हूँ,
और आप कैसे कह सकते हैं कि शायद अब कभी नहीं आएगा? आपको मालूम भी है हम यहाँ क्यों आए? नहीं, मुझे नहीं मालूम और मैं जानना भी नहीं चाहता। मैंने आपको बता दिया ना कि शाहिद को भूल जाए, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। क्यों अंकल? क्योंकि उसे दुबई में उम्र कैद की सजा हो चुकी है और उसकी वापसी की उम्मीद नामुमकिन है। बेटा, तुम शायद ये खबर सुन के बेहोश हो गई थी। घबरा कर मैंने वकार का फोन कर लिया। हम ही तुम्हें घर लेकर आए हैं। डॉक्टर आई थी, उन्होंने कहा कि तुम कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई। मामा, वकार भाई को? नहीं नहीं, मैंने डॉक्टर को समझा दिया था, डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। मैंने वकार को बताया कि वो भूत घर तुम्हारे किसी दोस्त का घर था। लेकिन बेटा, कब तक ये बात छुपी रह सकती है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा। मैं दुबई जाना चाहती हूँ, मैं वहां जाके शाहिद से मिलूंगी। हरगिज नहीं, दुबई में ड्रग स्मगलिंग की बहुत कड़ी सजा है, वो तुम्हें शाहिद के साथी समझ के गिरफ्तार कर लेंगे। उससे कोई भी नहीं मिल सकता, इसलिए तो वो भी उसे मिलने नहीं गए। अब बस तुम आराम करो, इस वक्त इतना सोचना और परेशान होना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें अभी सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखना है। शादी ना करने की कोई वजह भी तो हो। सुना नहीं था आपने उस दिन विरसा क्या कह के गई थी? क्या कह रही थी? वो यही कह रही थी कि जल्द से जल्द इसकी शादी कर दें, ताकि इसका बाहर इस तरह घूमना फिरना बंद हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रही थी विरसा। अगर तुम्हारी शादी हो चुकी होती तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ शेड्यूल होता। अब क्या है, तुम्हारे जाने का पता तो चलता है, लेकिन लौट के कब आओगे इसकी कोई खबर नहीं है। तुम जानते हो कितने दिनों से रात को बैठ के तुमने हमारे साथ खाना नहीं खाया। बस अब बहुत हो चुकी तुम्हारी जिद। इस संडे को जाके लड़की वालों के साथ मैं तुम्हारी डेट फिक्स करके आऊंगा। कहती है, आप लोग को मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? मैं इनकार कब कर रहा हूं? बस थोड़ा सा और वक्त मांग रहा हूं। आखिर कब ये थोड़ा सा वक्त खत्म होगा? एक ही चीज की रट लगाई हुई है। आज तुम ये बात बता दो कि तुम क्या चाहते हो। कुछ और महीने, लेकिन उसके बाद आप लोग जो कहेंगे मुझे मंजूर होगा। ठीक है, फिर ये बात जाके अपनी खाला को तुम खुद समझा दो। उनके भी बहुत से सवाल आते हैं जिनके मैं जवाब नहीं दे सकती। बेटी वाले हैं, उन्हें भी धड़का लगा हुआ होगा। हम भी मंगनी करके चुपचाप बैठ गए, एक बार भी तुम मंगनी के बाद उनके घर नहीं गए। वरना लड़के तो मंगनी के बाद ससुराल के चक्कर लगाते लगाते नहीं थकते। तुम क्या चाहते हो, आज मुझे ये बात बता दो। अच्छा ना, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप चाहती है ना मैं जाके उनसे बात करूं, तो कर लूंगा, बात समझा दूंगा। चलो ठीक है सकीना, कह रहे ना कि कुछ महीनों बाद कर लेगा ये शादी, अब बस करो। और प्लीज मुझे एक अच्छा सा कप चाय का पिला दो, इस बहस से सर में दर्द हो गया। ठीक। तुम चाय पियोगे? तुम्हारे लिए चाय लाऊं? नहीं, मुझे नहीं पीनी। मालूम था कि तुम्हारा यही जवाब होगा। खाना तो तुम ठीक से खाते नहीं, ना जाने क्या कुछ सोचते रहते हो।